हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हम आपके लिए। मसीह धले करते तो आपको उस खबर पर चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री सिग्नल्स पाने के लिए हमारे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सीधा लेकर चलता आपको इस न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव। देखिए, 2 घंटे पहले वजीरेक CEO निश्चल शेट्टी को फाउंडर सिद्धार्थ मेनन शिफ्ट बेस टू दुबई। जी हाँ, देखिए कब की खबर है। शिफ्टेड देयर बेस टू दुबई फ्रॉम इंडिया मल्टीपल सोर्सेज विद द नॉलेज ऑफ द मैटर टोल्ड बिजनेस टुडे को ये न्यूज़ दी गई। देखिए, सोर्सेज सेड दैट शेट्टी एंड मेनन हैव मूव्ड आउट ऑफ इंडिया विद देयर फैमिलीज टू दुबई, ऑल्दो वजीरेक स्टिल हैज एन ऑफिस इन मुंबई एंड बेंगलुरु। समीर महात्रे, एक को फाउंडर एंड द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एट वजीरेक, हाउएवर कंटिन्यूज टू ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। मतलब इनका ऑफिस मुंबई और बेंगलुरु में तो रहेगा ही, पर एक्चुअल में जो इनके फाउंडर है, को फाउंडर है मेनन और शेट्टी साहब, वो यहाँ से वजीरेक्स की तरफ मूव कर चुके हैं विद देयर फैमिली, और सारा वजीरेक्स आप रिमोटली ऑपरेट होगा। ठीक है, बिजनेस टुडे हैज रीच्ड आउट टू वजीरेक शेट्टी एंड मेनन फॉर कमेंट। इनके पास गए, द स्टोरी विल बी अपडेटेड एज एंड व्हेन दे रिस्पॉन्ड। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, तो जैसे वो जवाब देंगे तो यहाँ पर उसके बारे में बताया जाएगा। और ये क्यों हुआ है, 30% टैक्स की वजह से हुआ, साथ में 1% TDS आने वाला है, और इसके जो इम्पैक्ट देखने को मिला है वर्चुअल डिजीज की वजह से, जो बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर, ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। मेरी कल की वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने आपको पूरा स्टेटस दिखाया है कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, 80 से 95% तक वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर, इसलिए मूव कर रहे हैं। ठीक है, और चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो शेट्टी का कहना है, मिशेल शेट्टी का, वी गो बियॉन्ड आवर लीगल ऑब्लिगेशंस बाय फॉलोइंग नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस एंड हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब ये चाहते हैं हम उनको दे सकते हैं या दिया भी है। ठीक है, सीधा सीधा ये फंडा है। देखिए, नोटेबली दुबई हैज टर्न्ड इनटू अ हॉटस्पॉट फॉर क्रिप्टो करेंसी इनोवेटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आफ्टर इंडिया इम्पोज टैक्सेस ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। देखिए, जैसे दुबई ने दुबई हॉटस्पॉट बनता जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का, तो इंडिया भी बन सकता था। अगर ये 30% इंप्लीमेंट नहीं करते तो क्या पता दुबई की जगह इंडिया वो हॉटस्पॉट बन सकता था, और अगर ये बनता तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलता, नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती, पर इन्होंने तो बस वही हवाला दे रखा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये फलाना ढिकाना। एक्चुअल में इसको नई चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे, या फिर ये समझ लीजिए कि नए युवा इसमें कमा पाए। शेयर बाजार के अंदर भी ऐसी पंप डंप चलते हैं तो उसमें क्या कर लेते हैं, तो ये सब ड्रामा है। एक्चुअल में इसको बंद करना चाहते हैं चाहे इनडायरेक्ट वे से। अब जो मेरी दूसरी अपडेट है वो BTC की है। BTC के साथ करंट प्राइस चल रहा है 40,800 अप्रोक्स। ठीक है, और हमारे पास जो स्पोर्ट है, हमारे पास एक नॉर्मल स्पोर्ट है करीब 40,500 से लेकर और 40,000 तक, जब तक इसके अबोव है अल्ट्स में भी आप अच्छा पंप देख पाओगे, और साथ में BTC अगर स्टेबल रहता है तो हम और भी अच्छे, अगर इसी रेंज में रह जाता है, इस टाइट रेंज में करीब करीब 41,400 से 300 से लेकर और करीब यहाँ पे 40,700-800 के बीच में रह जाता, तो बहुत अच्छा पंप देखेंगे हम अल्ट कॉइन्स के अंदर। और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आपको एक फ्लैग भी दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए आप करीब करीब, यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग टाइप का भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, ये करीब करीब यहाँ तक इसको हिट करना चाहिए 4,100-4,300 के आसपास। अभी ये रिसेंट ये हिट कर सकता है। अब बात करते हैं बायबिट एक्सचेंज के ऊपर, एक नया IDO आ रहा है, एपेक्स प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी भी मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, पर मैं इसके अंदर इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप इसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करिए दोस्तों। एक डेरिवेटिव, डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव प्रोटोकॉल, मतलब एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल एक्सचेंज की लुक आपको दिखाता हूँ मैं इसमें। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या करने को मिलेगा, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, रेफरल से भी आप इनकम कर सकते हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, बॉन्ड साथ में स्टेकिंग भी अवेलेबल है इसके अंदर। अब बात करते हैं इनके, देखिए एक्सचेंज को आप देखो कि बिल्कुल जैसे बाइनेंस की लुक है, सेम वैसे ही लुक यहाँ पर दी गई है, और आप बिल्कुल चार्ट वार्ट जैसे आप यूज़ करना चाहें यहाँ पर आप उसको भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अरे सर, जब तो मामला गड़बड़ हो गया है, हम तो ट्रेडिंग व्रेडिंग सब अब दूर हो गए हैं, हम तो चाहते हैं स्टेकिंग करने के लिए। तो मैं जो अपनी खुद की स्टेकिंग करता हूँ, मैं करता हूँ EZ5 प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे EZ5 के अंदर भी आप जाकर यहाँ पे अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो लेजिट प्लेटफॉर्म है, आप चाहें अपने एंड पर
एक बार जरूर सी रिसर्च कर लीजिएगा इसके लिए भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें, अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट हमेशा स्टेकिंग पे रखना चाहिए। अगर मान के चलते हैं आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो कम से कम 30 रुपीज़ को स्टेकिंग पे लगा कर रखिए, 70 रुपीज़ से आप ट्रेड कर सकते हैं। कम्युनिटी टास्क लॉन्च पैड के ऊपर एक आईडियो आ रहा है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि अभी जो रिसेंट आईडियो के अंदर किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो टैरोवर्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम्युनिटी टास्क लॉन्च पैड के अंदर आपको ये समझ लीजिए $50 से लेकर $70 के अगर आप कॉम टोकन को स्टेक करते हैं, तो उसके बेसिस पर आप गारंटेड एलोकेशन ले सकते हैं। बट अगर यही आईडियो सीडीफाई पे होता जैसे हुआ भी था, तो वहाँ पर आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए के टोकन खरीदने के बाद आपको इसकी $12 से लेकर $20 से लेकर $40 तक की एलोकेशन मिलती है, बट आप यहाँ पर गारंटेड एलोकेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टैरोवर्स कम्युनिटास लॉन्च पैड के ऊपर आ रहा है, बाकी काफ़ी सारे हैं। साइबेरिया में क्रियो इंजन है, और मैं आपको बात अभी एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जोन ऑफ अवॉइडेंस है, साइबेरिया में फायर है और फुटबॉल बैटल है। अगर बात करते हैं मेटा लॉन्च SYLAB का, मेटा लॉन्च पैड है ये, इंडियन लॉन्च पैड। अब यहाँ पर देखो टैरोवर्स यहाँ पर भी आ रहा, पब्लिक आईडी और कम्युनिटी आईडी, यहाँ पर क्रियो इंजन भी दिखाई दे रहा है, और सार्क्रेस अभी अपडेट अनाउंस नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर भी जाकर इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 दिन का वक्त रहेगा इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो मेटा लॉन्च पैड पर चले जाइए, यहाँ पे वाइट लिस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आपने टोकन होल्ड किए होंगे तो ही, अगर आपने टोकन स्टेक किए होंगे SYLAB टोकन को, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट अगर इनके टोकन मान लेते हैं, अगर इन्होंने टोकन होल्डर्स जिन्होंने भी टोकन को स्टेक किया है, उसके बेसिस पर अगर सारी एलोकेशन खत्म हो जाती है, तो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपने, अगर वो टोकन होल्डर सारे टोकन को बाय नहीं कर पाते इस लॉन्च पैड के, तो फिर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर करेंगे, उसके अंदर आप फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और कितने भी टोकन का अमाउंट बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वाइट लिस्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये 22 अप्रैल को इसका आईडी है मेटा लॉन्च पर। और अगर बात करते हैं कम्युनिटास के ऊपर भी, तो कम्युनिटास के ऊपर 23 अप्रैल को इसका आईडी है। ठीक है, इनको मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब मैं टैरोवर्स की ये भी देख लेता हूँ कि कितनी क्या मार्केट क्या बता रही है इसके बारे में, क्योंकि टैरोवर्स यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए डेव रेटिंग लॉन्च डेट है, देखिए 23/4 को है, तो 23/4 को इसकी लिस्टिंग। ठीक है, टोकन का प्राइस किया है 0.018, करीब करीब 2 सेंट की मान के चलते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्राइस एंड ROI टारगेट जो रखी गई है इस वेबसाइट ने क्रिप्टोग्राफ रेटिंग्स के बेसिस पर, 10x तक के आसपास इसकी ये रखी गई। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए 15% अगर TG पर दे रहा है, देखिए कोई भी पीक पर सेल नहीं कर पाता है। ठीक है, 15% है, मैं कहता हूँ मुझे 15 टोकन मिले, अगर मैं $100 के टोकन बाय करता हूँ, मुझे सिर्फ 15 टोकन मिलते हैं। या मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, तो मुझे इतने टोकन मिलेंगे पूरे $100 से। ठीक, अगर इसका मैं 15% मतलब मुझे 833 टोकन मिलेंगे स्टार्टिंग में। अगर मैं कहता 10x ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये 5x भी चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास टोकन बनेंगे 4166। ठीक है, 4166 के आसपास हमारे पास ये अमाउंट हो जाएगा। अगर हम इसको इस प्राइस पर भी बेचते हैं, देखिए, तो भी हमें $75 से लेकर $100 तक हम इसका पैसा वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है, तो इसको आप ज़रूर देख सकते हैं, और अगर पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कम्युनिटास लॉन्च पैड के ऊपर, ताकि अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कम्युनिटास लॉन्च पैड की पूरी वीडियो है। ठीक है, आप इसके जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए शेट्टीज के जाने से, वजीरेख से CEO के जाने से कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ऐसे हाई इंप्लीमेंटेशन करेगी टैक्स को लेकर, तो यहाँ पर मोस्टली सारे इंडियन एक्सचेंजेस सब बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, दुबई वाई की तरफ सब शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दुबई हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पर ट्विटर पर सिग्नल भी शेयर किया गया, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।